क्या मांग है आपकी, किन मांगों को लेकर? हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो 20 तारीख को 20 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया एसएससी एक्ट के खिलाफ, उसको हम दोबारा से चाहते हैं उसी रूप में, और ये जो गिरफ्तारी है कि तुरंत वो होनी चाहिए, अग्रिम जमानत नहीं होनी चाहिए, एफआईआर तुरंत होनी चाहिए, यही सब हमारी मांगे हैं और ज़्यादा कुछ हमारी मांगे नहीं है। और नहीं होगा तो आगे हम इस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि कल भी हमने रोड जाम किया था, पूरा भारत तड़ाई तड़ाई मच रही थी, और आज आप इस रोड को जाम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा निकलेगा? फायदा मुझे जब तक हमारा ये हक वापस नहीं दिया जाएगा तब तक हम ये करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति गहलोत है। हाँ। मैं बीएससी स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या? मैं बीएससी स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, शोध करता हूँ, और जो बाबा साहब के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उस जो भी छेड़छाड़ हुई है उसके लिए हम जितने भी समर्थक हैं खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और अपने हक के लिए हम खड़े रहेंगे हमेशा। बाबा साहब के बारे में आपको किसने बताया? बाबा साहब के बारे में हमें हमारे समाज ने हमारे पिता माता पिता से पता चला, और जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें पता चलता रहा। बाबा साहब के जो भी 22 प्रतिज्ञा है हम उसका भी पालन करते हैं। बाबा साहब ने, मैं बौद्ध अध्ययन से पीएचडी भी कर रही हूँ, और बाबा साहब ने जैसे बौद्ध धर्म को अपनाया, ऐसे हम भी बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और इन ब्राह्मणवादी सोच को नकारेंगे बिल्कुल। सर आपका नाम? सर वेद प्रकाश के मैं जी। और सर जब तक ये कानून मैं जो वापस नहीं ले आता इनसे, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, और बाबा साहब के संविधान के साथ किसी ने भी अगर कोई एक रत्ती पर भी छेड़छाड़ की, तो ये उग्र प्रदर्शन आगे तक जारी रहेगा। यह हमें किसी तरह की भी किसी उसकी भी कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम सब तैयार हैं, पूरा दलित समाज तैयार है, और यह संघर्ष जारी रहेगा। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका जो दायर करी है उसके नहीं किया गया ठीक, तो यह संघर्ष आगे तक जाएगा, और आने वाले टाइम में हम पार्लियामेंट तक भी इसको घेरने का पूरा वो करेंगे। एक घाव ठीक नहीं होता है, दूसरा घाव दे दिया जाता है, और आज सारा बहुजन समाज बड़ा परेशान है। जब से ये 4 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को आए, दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, दलितों के अत्याचार बढ़ने के बाद भी उसके बाद भी सरकार ने ये फैसला इस तरह का लिया है। ये सरकार ने फैसला, ये कोर्ट में जो फैसला हुआ है, ये फैसला जो है ये दलितों के खिलाफ हुआ है। कोई ऐसा आप बता दीजिए कितनी FIR दर्ज हो रही है, जो ये FIR दर्ज हो रही है उनके खिलाफ, जो कह रहे हैं जो इस कानून को बदलना चाहते हैं, इस कानून में जो दलितों को सुरक्षा दी जा रही है, जो दलितों को सुरक्षा दी जा रही है, उस दलितों की सुरक्षा को खत्म करा जा रहा है, और दलितों के ऊपर अन्याय इतने बढ़ते जा रहे हैं जो बता नहीं सकते। लेकिन ये तो बढ़वाने वाले आप लोग हैं, और आप लोगों ने बढ़वाया, क्योंकि जो सत्ता को चुनते हैं वो आप लोग चुनते हैं। जो ये हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है उसका हम विरोध करेंगे, करते रहेंगे जब तक हमारे को सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे 10 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे, पार्लियामेंट तक भी हम संघर्ष करेंगे। जी जान से हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, आज भी कल भी।